जय भोलेनाथ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुरु महादेव रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। सिर्फ 3 या 3.5 लाख रुपए देकर दोस्तों लीजिए आपका 3 BHK का शानदार फ्लैट, जो कि 90 स्क्वायर यार्ड ऑन पेपर है। और अगर स्लैब एरिया की बात करें तो लगभग 100 गज का स्लैब एरिया दोस्तों आपको इसका मिलता है। फ्रंट साइड का है दोस्तों, सामने चोरी रोड है, 25 फीट की रोड है, नवादा मेट्रो स्टेशन बिल्कुल नजदीक का मेट्रो स्टेशन है, जो कि यहां से मैक्सिमम 5 to 7 meters के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। काफी नजदीक है दोस्तों, काफी प्राइम लोकेशन है, लिफ्ट के साथ है, गाड़ी की पार्किंग के साथ है दोस्तों। और ये फ्लैट सिर्फ 3 या 3.5 लाख की डाउन पेमेंट में हम आपको दे सकते हैं, यानी कि ये फ्लैट दोस्तों काफी सस्ता है। और इस मार्केट में जितने भी फ्लैट दोस्तों आसपास के हैं, जो 90 या 100 स्क्वायर यार्ड के हैं, कोई भी फ्लैट आपको 42 या 40 से कम नहीं मिलेगा। लेकिन ये फ्लैट दोस्तों मैं आपको बहुत सस्ता देने वाला हूं। इसकी जो कीमत है ये मैं आपको लास्ट में जरूर बताऊंगा। तो कंप्लीट वीडियो देखिए दोस्तों और जुड़े रहिए अपने यूट्यूब चैनल गुरु महादेव रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ। की लोकेशन के बारे में तो आप देख सकते हैं कि सामने वाइड रोड है और यही रोड दोस्तों आपको कनेक्ट करती है नवादा मेट्रो स्टेशन से। 1 या 2 टर्न आपको लेने हैं और आप पहुंच जाएंगे नवादा मेट्रो स्टेशन पर। वाइड रोड है दोस्तों, आसपास की लोकेशन भी अच्छी है। बात करते हैं बिल्डिंग की एलिवेशन की, तो आप देख सकते हैं कि कंप्लीट बिल्डिंग की एलिवेशन काफी अच्छी आपको मिलती है। बिल्डिंग का फ्रंट काफी अच्छा है दोस्तों और यहां से एंट्री है आपके गाड़ियों की, आपकी पार्किंग की। पार्किंग के अंदर आप देख सकते हैं कि काफी बड़ी और वाइड पार्किंग आपको मिलती है, काफी बड़ी एंट्री आपको मिलती है। गाड़ियों को अंदर लाना और बाहर ले जाना दोस्तों काफी इजी रहने वाला है। हाइट हमने काफी अच्छी दी है दोस्तों, कंप्लीट लाइट सिस्टम आपको काफी अच्छा मिलता है। इस तरफ आप देख सकते हैं कि आपको मोटर सेक्शन मिलता है, इस तरफ आपका लिफ्ट सेक्शन है और उसके ठीक सामने है आपका स्टेयर सेक्शन। यहां से दोस्तों हम लोग चलेंगे आपके 3 BHK फ्लैट की तरफ। तो दोस्तों यहां से एंट्री है आपके 3 BHK फ्लैट की और जब आप एंट्री करते हैं तो आपका जो फेस है वो ईस्ट की तरफ रहता है, यानी कि वास्तु के लिहाज से भी आपकी एंट्री बिल्कुल परफेक्ट है। और एंट्री करने के बाद आपको काफी शानदार लिविंग स्पेस मिलता है, जिसका साइज ऑलमोस्ट 15 फीट by 10 फीट का है। एल टाइप का सोफा लगाने के लिए आपको परफेक्ट यहाँ पर जगह मिलती है दोस्तों। पीछे की वॉल आप देख सकते हैं, डिजाइनर आपको मिलती है, ऊपर हैंगिंग लाइट आपको मिलती है। और सोफे की प्लेसमेंट के ठीक सामने की जो वॉल है दोस्तों, यहाँ हमने दिया है काफी बड़ा LED पैनल और आप देख सकते हैं कि विद लाइट और विद कंप्लीट फिटिंग आपको ये LED पैनल मिलता है। नीचे की तरफ आपको कंप्लीट स्टोरेज मिलती है, ओपन शेल्फ मिलती है दोस्तों, और बहुत अच्छी और प्यारी गेटअप के साथ आपको न केवल ये LED पैनल मिलता है बल्कि कंप्लीट वॉल मिलती है, क्योंकि LED पैनल के पीछे की जो वॉल है इस पर भी हमने आर्टिफिशियल ग्रास का वर्क करवाया है। अगर हम बात करें सीलिंग की तो कंप्लीट सीलिंग का डिजाइन भी दोस्तों काफी शानदार है, विद फैन है, विद शैंडलियर है और विद कॉब लाइट है दोस्तों। और इसके बाद हम बात करते हैं हमारी किचन के बारे में, लेकिन किचन में जाने से पहले मैं बात करूंगा दोस्तों हमारी इस पोर्शन की। तो ये कंप्लीट वुडन का दोस्तों एक पार्टीशन आपको मिलता है, डिजाइनर वर्क आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर दोस्तों आपको 4 niches मिलती है विद लाइट्स मिलती है और यहाँ बीच में दोस्तों MDF की कटिंग के साथ आपको एक जो पार्टीशन है, एक जाली है, वो मिलती है। इसके बाद दोस्तों हमारी किचन है, किचन को और आपके लिविंग स्पेस को हमारा ये पार्टीशन सेपरेट करता है। इस फ्लैट में दोस्तों हमने थोड़ा सा सेपरेट देने की कोशिश की है हमारी किचन को और हमारे डाइनिंग स्पेस को। तो ये कंप्लीट दोस्तों हॉल मिलता है विद किचन और विद डाइनिंग स्पेस और ये दोस्तों काफी बड़ा है। साइज की अगर बात करें तो 12 feet by 9 feet का ये कंप्लीट एरिया आपको मिलता है, जिसमें अगर किचन की बात करें तो 12 feet by दोस्तों और लगभग 7 feet की आपकी किचन है, जो कि वाइड फ्रंट की है दोस्तों और बहुत प्यारी मेकिंग के साथ आपको मिलती है। और उसके ठीक सामने आपको मिलता है आपका डाइनिंग स्पेस। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपकी किचन के बारे में। तो किचन में दोस्तों हमारा सबसे ज्यादा फोकस रहता है आपकी स्टोरेज पर। तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर प्रॉपर स्टोरेज मिलती है, अलग अलग साइजेस की बास्केट्स हैं वो यहाँ पर मिलती हैं दोस्तों। ऊपर आपको ग्रेनाइट का पत्थर मिलता है और वो भी डबल मोल्डिंग के वर्क के साथ, और उसके अलावा कंप्लीट टाइल वर्क मिलता है। इस तरह दोस्तों आपका सिंक है,
और सिंक के साथ साथ आपको गर्म पानी, ठंडे पानी के टैब मिलते हैं और ऊपर आपको आरओ या फिर वाटर प्यूरिफायर लगाने के लिए प्रोविजन मिल जाता है। इस तरह दोस्तों आपको स्विच एंड सॉकेट मिलता है और आप देख सकते हैं कि जो डिजाइनिंग पार्ट है दोस्तों वो भी काफी अच्छे से यहाँ पर किया गया है और इस तरफ भी आपको स्विच एंड सॉकेट मिल जाता है। ये आपका चिमनी का स्पेस है और यहाँ पर दोस्तों क्वालिटी की चिमनी हम आपको लगवा कर देने वाले हैं। और स्टोरेज दोस्तों अगेन मैं कहना चाहूंगा कि नीचे और ऊपर दोनों तरफ आपको काफी अच्छी स्टोरेज मिल जाती है। किचन के ठीक सामने जो हमारा डाइनिंग स्पेस है दोस्तों, ये डाइनिंग स्पेस भी हमें काफी अच्छा खासा मिल जाता है। आप यहाँ पर 6 सीटर या फिर 4 सीटर भी आराम से लगा सकते हैं, लेकिन मेरा आपको सजेशन है कि यहाँ पर आप 4 सीटर ही जो डाइनिंग टेबल है वो लगाएं दोस्तों, ताकि आपका जो फ्रिज है वो भी यहाँ पर इजीली आप रख सकें। तो किचन दोस्तों और ये फ्लैट हमारा थोड़ा सा डिजाइनिंग पार्ट पर बाकी फ्लैट्स के मुकाबले डिफरेंट है, यूनिक है दोस्तों, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगा। किचन और डाइनिंग स्पेस के बाद अब हम बात करेंगे हमारे पहले बेडरूम के बारे में। और ये पहला बेडरूम दोस्तों हमारा काफी बड़ा है, शानदार है, 12.5 फीट बाय और ऑलमोस्ट 10 फीट का दोस्तों इसका कंप्लीट साइज है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो 7x7 का बेड भी इजीली प्लेस कर सकते हैं। ये पोर्शन दोस्तों आपकी बेडिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। पीछे की वॉल आप देख सकते हैं आपको डिजाइनर मिलती है। इनकेस दोस्तों अगर आपको वॉल पेपर ये पसंद नहीं आता है या कोई भी दोस्तों वॉल पेपर पसंद नहीं आता है तो वो भी हम आपको चेंज करवा कर देंगे। इस रूम के अंदर इस तरफ आपको एसी की फिटिंग मिलती है। सीलिंग की अगर बात करें दोस्तों तो अगेन सीलिंग का एक शानदार सा डिजाइन यहां पर हम आपको देंगे। इस तरफ आपको शाफ्ट मिलती है दोस्तों, जिससे कि वेंटिलेशन प्रॉपर आपकी इस बेडरूम में रहने वाला है। और इस तरफ आपको मिलती है काफी बड़ी और शानदार स्टोरेज। स्टोरेज की अगर बात करें तो 5 फीट बाय और रूफ हाइट तक की दोस्तों ये कंप्लीट स्टोरेज है और इस स्टोरेज को 2 अलग-अलग पार्ट्स में बनाया गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों दोनों तरफ आपको शटर्स मिलते हैं और अंदर काफी अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाता है। और यहां भी दोस्तों हम लोग आपको एक फैन लगाकर देने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं हमारे दोनों ही बेडरूम्स के बारे में और ये दोनों के दोनों बेडरूम दोस्तों हमारे फ्रंट की तरफ है और अच्छी बात ये है कि दोनों से ही हमारी बालकनी का एक्सेस है। एक जो बेडरूम है दोस्तों इसके साथ हमारा अटैच वॉशरूम है और एक हमारा कॉमन वॉशरूम इस तरफ है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कॉमन वॉशरूम की। ये कॉमन वॉशरूम दोस्तों बड़ा है, साइज की अगर बात करें तो 6.5 फीट बाय और लगभग 5 फीट का दोस्तों ये कॉमन वॉशरूम है। इसमें कंप्लीट टाइल वर्क आपको मिलता है, कंप्लीट फिटिंग्स आपको मिलती है और जितनी भी फिटिंग्स है दोस्तों वो सारी की सारी क्वालिटी की आपको मिलती है। एक तरफ दोस्तों आपकी कमोड है, बीच में आपका बेडिंग एरिया है और इस तरफ आपका वॉश बेसिन है और उसके पीछे दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको शाफ्ट मिलती है जहां से प्रॉपर वेंटिलेशन भी आपको मिलता रहेगा। वॉशरूम के बाद दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ। तो ये दोस्तों हमारा सेकंड बेडरूम है। साइज की अगर बात करें तो ये पहले वाले बेडरूम से थोड़ा सा बड़ा है, लगभग दोस्तों 13.5 फीट बाय और 9.5 फीट का हमारा इसका साइज है। और आप देख सकते हैं कि काफी शानदार आपका ये बेडरूम है दोस्तों और इस तरफ भी आपको 6x6 या फिर 7x7 का बेड लगाने के लिए परफेक्ट जगह मिलती है। पीछे का वॉलपेपर आपको दोस्तों काफी शानदार मिल रहा है और ये वॉलपेपर ना केवल एक वॉल पर है दोस्तों बल्कि इस वॉल पर भी हमने आपके लिए लगाया है। इस तरफ आपको आपकी वार्डरोब मिलती है, साइज काफी बड़ा है दोस्तों, वही ऑलमोस्ट 4 फीट बाय और रूफ हाइट तक का आपको साइज मिलता है। काफी स्टोरेज दोस्तों आपके इस 3 BHK फ्लैट में आपको मिलने वाली है। अगर हम बात करें हमारी सीलिंग की तो अगेन सीलिंग का शानदार डिजाइन आपको यहां पर मिल जाता है और क्योंकि दोस्तों ये रूम हमारा बाहर की तरफ है तो काफी बड़ी विंडो आपको मिलती है, विंडो एसी लगाने के लिए प्रोविजन आपको मिलता है। ये ईस्ट फेस होने की वजह से आपको सनलाइट और क्रॉस वेंटिलेशन रेगुलरली आपके इस रूम में आपको मिलता रहेगा और आपके इस रूम से डायरेक्टली पूरे घर में भी दोस्तों जो एयर फ्लो है, एयर सर्कुलेशन है वो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको ले चलता हूं आपकी बालकनी की तरफ और वहां देखेंगे बाहर की लोकेशन कैसी है। ये बालकनी दोस्तों आपको जरूर पसंद आने वाली है क्योंकि ये बालकनी हमने काफी वाइड रखी है। आप देख सकते हैं कि दोस्तों 4.5 फीट बाय और लगभग दोस्तों 14 फीट की आपको ये बालकनी मिलती है। काफी बड़ी बालकनी है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो चेयर्स लगाकर भी आराम से बैठ सकते हैं। बालकनी में दोस्तों जो टाइल्स हमने इस्तेमाल की है ये रूफ हाइट तक की टाइल्स आपको मिलती है, जिससे कि बिल्डिंग को मेंटेन रखने में आपको काफी हेल्प मिलती है। इस तरफ आपको टैब मिलता है, नीचे पानी निकलने के लिए जगह आपको मिलती है दोस्तों, यानी कि दोस्तों ये एरिया आपका वॉशिंग एरिया भी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ आपको मिलती है आपकी स्टील की रेलिंग जो कि 304 के स्टील में है। आप देख सकते हैं कि ये रस्टलेस है, इसमें कभी भी जंग नहीं लगने वाला।
और सामने की रोड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, जो कि 25 फीट की रोड है, काफ़ी अच्छी और शानदार आपकी गली है और यही रोड आपको लेकर जाती है मेट्रो स्टेशन की तरफ। अब हम चलेंगे दोस्तों हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ और ये थर्ड बेडरूम का एक्सेस भी हमारा बालकनी के साथ ही है। ये है दोस्तों आपका थर्ड बेडरूम और थर्ड बेडरूम का साइज भी काफी अच्छा है, 14 फीट बाय और लगभग 9.5 फीट का दोस्तों इसका साइज है। और अगेन आपको आपके बेड की प्लेसमेंट के लिए परफेक्ट जगह मिलती है, पीछे की वॉल आपको डिजाइनर मिलती है। सीलिंग की अगर बात करें दोस्तों तो सीलिंग पर भी आपको विद कोब लाइट और विद एलईडी लाइट काफी अच्छा शानदार फॉल सीलिंग का डिजाइन मिल जाता है। और यहां पर दोस्तों आपको अटैच वॉशरूम भी मिलता है। ये है दोस्तों आपका 3 BHK का फ्लैट जो कि 90 स्क्वायर यार्ड के स्लैब एरिया में है, फ्रंट साइड का है, वाइड रोड पर है दोस्तों, विद लिफ्ट है, विद कार पार्किंग है। और इसके अलावा दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया 3 या 3.5 लाख रुपए देने के बाद आप इस फ्लैट को ले सकते हैं और बाकी का मैक्सिमम लोन मैं आपको करवा कर दूंगा, बस दोस्तों आपकी प्रोफाइल उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी कीमत की, तो इसकी कीमत बहुत कम रखी गई है, बहुत वाजिब रखी गई है, 36,90,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 36,90,000 रुपए में मैं आपको ये फ्लैट देने वाला हूं। अपर ग्राउंड और सेकंड दो ही यूनिट दोस्तों इसमें अवेलेबल है, तो जल्दी कीजिएगा दोस्तों, कहीं देर ना हो जाए। और इसके रिगार्डिंग किसी भी तरह की क्वारी के लिए, किसी भी तरह के क्वेश्चंस के लिए दोस्तों कॉल करना ना भूलें आप अपने यूट्यूब चैनल गुरु महादेव रियल स्टेट के कस्टमर केयर पर। याद रखिएगा दोस्तों, इससे पहले भी हमने इस तरह के काफी सारे सस्ते ऑप्शन निकाले हैं जो 2 या 3 दिन के अंदर सेल आउट हो जाते हैं। तो इनकेस अगर आप घर देख रहे हैं दोस्तों, इनकेस आपका बजट कम है और आप बड़ा फ्लैट चाहते हैं, तो आपके लिए ये एक बहुत बेहतर और शानदार मौका हो सकता है। तो देर ना करें दोस्तों, कॉल करें और जल्दी से विजिट भी करें। इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों जुड़े रहिएगा आप अपने YouTube चैनल गुरु महादेव रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।